गृहमंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर विपक्षी पार्टियों पर किया प्रहार, कहा मुसलमानों को भड़काया गया, सीएए कानून से नहीं जाती किसी की नागरिकता। आज गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, अहमदाबाद में ऑक्सीजन पार्क का किया उद्घाटन, कई दूसरे कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में यूपी सरकार पालन करेगी हाईकोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट के 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द करने कर दोबारा के लिए आदेश दिया गया है, दोबारा कराने के लिए। महाराष्ट्र के पुणे में सुनीता केजरीवाल ने शरद पवार से की मुलाकात, आधा घंटे की मुलाकात में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। हेमंत सोरेन से नाराजगी की खबरों के बीच झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे, अगले 3 दिन दिल्ली में ही रहेंगे, आज और कल कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं, अटकलों का बाजार लेकिन गर्म। बीजेपी में जाने की अटकलों को चंपई सोरेन ने खारिज कर दिया है, कहा निजी काम के लिए दिल्ली आया हूं, किसी से मुलाकात नहीं हुई, अभी जहां हूं वहीं रहूंगा। चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हेमंत सोरेन का बिना नाम लिए साधा निशाना, कहा मुख्यमंत्री रहते हुए मेरा अपमान किया गया, अपमान के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने को मजबूर। चंपई सोरेन को लेकर जारी अटकलों के बीच झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का बयान, कहा निजी काम से दिल्ली आए हैं चंपई सोरेन, मीडिया में अफवाह फैलाई जा रही है। चंपई सोरेन के दिल्ली दौरे के बीच सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला, हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर लगाया खरीद फरोख्त का आरोप, कहा दलों को तोड़ने का काम करती है बीजेपी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने चुनाव में किसी भी प्री पोल अलायंस से किया इनकार, एबीपी खास बातचीत में उन्होंने कहा 8 से 10 निर्दलीयों के संपर्क में है बीजेपी जिन्हें चुनाव में समर्थन कर सकती है। जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज, जम्मू कश्मीर में पीडीपी कोटे से मंत्री रहे जुल्फिकार चौधरी अपनी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए, जी किशन रेड्डी ने इसकी सदस्यता दिलाई। बिहार में पूर्व विधायक बाहुबली सुनील पांडे बीजेपी में शामिल हुए, बेटे विशाल प्रशांत को भी बीजेपी में ज्वाइन कराया सूत्रों का दावा, तरारी विधानसभा सीट से सुनील पांडे के बेटे को बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुनील पांडे ने कहा पार्टी कार्यकर्ताओं के तौर पर काम करेंगे, तरारी सीट पर होने वाले उपचुनाव में बेटे की उम्मीदवारी पर फिलहाल बोलने से इनकार किया। 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान, 10 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य, पदाधिकारियों की बैठक में बोले अमित शाह बीजेपी की विचारधारा को देश के कोने कोने तक पहुंचाए पार्टी के नेता। चंडीगढ़ में सड़कों पर उतरे डॉक्टर, कोलकाता रेप और हत्याकांड के विरोध में निकाला कैंडल मार्च, बड़ी संख्या में मार्च में डॉक्टर शामिल हुए। दिल्ली के राजीव चौक पर डॉक्टरों ने कोलकाता रेप हत्याकांड के विरोध में निकाला मार्च, मार्च में सफदरजंग अस्पताल दिल्ली एम्स आरएमएल के डॉक्टर शामिल हुए। कोलकाता में डॉक्टरों के समर्थन में आए बंगाली सिनेमा के लोग, आरजीकर अस्पताल में रेप और हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन किया, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में जबरदस्त हंगामा, फुटबॉल प्रशंसकों ने जमकर प्रदर्शन किया, पुलिस और लोगों के बीच में झड़प भी हो गई, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कोलकाता रेप और हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस की अगुवाई में 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। कोलकाता रेप और हत्याकांड में महिला डॉक्टर की माता पिता का बड़ा बयान, कहा पूरा अस्पताल इस साजिश में शामिल, अंतिम संस्कार में दिखाई गई जल्दबाजी, हमें सरकार से मुआवजा नहीं, इंसाफ चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर निशाना साधा, कहा ममता के हृदय में महिलाओं के प्रति संवेदना नहीं, ममता को सीएम पद से देना चाहिए इस्तीफा। कोलकाता में जारी है डॉक्टरों का प्रदर्शन, डॉक्टर हत्याकांड के खिलाफ सड़कों पर जूनियर डॉक्टर उतरे आज, कॉलेज चौराहे से विरोध मार्च निकाला। 14 अगस्त की रात आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ केस में पुलिस की कार्रवाई तेज, कोलकाता पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया, अब तक कुल 32 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सवालों में घिरे संदीप घोष मीडिया के तीखे सवालों पर भड़क गए, सीबीआई दफ्तर जाने के दौरान आपा खो दिया, मीडिया पर चिल्लाए और दरवाजा बंद कर निकलते नजर आए। बीजेपी के पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी का पश्चिम बंगाल पुलिस पर बड़ा सवाल, कहा लाल बाजार जाने को तैयार, कोलकाता पुलिस की नहीं है रीढ़ की हड्डी। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कोलकाता रेप और हत्याकांड में वीडियो जारी किया, वीडियो के जरिए दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा की मांग उठाई, महिला सुरक्षा पर ठोस कदम उठाने की अपील की। कोलकाता के बाद अब देहरादून से दिल दहला देने वाली खबर आई है, नाबालिग से बस में गैंगरेप हुआ है, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 13 अगस्त की रात देहरादून में की वारदात।
हैदराबाद में बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोटी में प्रदर्शन किया, हिंदुओं की रक्षा के लिए सरकार से मांग उठाई। मुंबई में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध हुआ है, हिंदू संगठनों ने भारत सरकार से हिंदुओं की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग। राजस्थान के उदयपुर में हिंसा के बाद तनाव, लोगों ने किया जबरदस्त प्रदर्शन, उदयपुर में 16 अगस्त को हिंसा और आगजनी हुई थी, दो स्कूली छात्रों में झगड़ा हुआ। बुलंदशहर में बड़ा हादसा हुआ, बस और पिकअप वैन की जोरदार टक्कर हो गई, हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, 27 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बिहार के जहानाबाद में सिपाही भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र देरी से मिलने पर अभ्यर्थियों का हंगामा, परीक्षा केंद्र पर पहुंचे डीएम एसपी ने अभ्यर्थियों को शांत कराया। बिहार के मोतिहारी में सिपाही भर्ती परीक्षा में मुन्ना भाई अरेस्ट किया गया, दूसरे की जगह पर परीक्षा दे रहा था आरोपी, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के फिरोजाबाद में ग्लास फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, मौके पर मची भगदड़, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, आग से लाखों का नुकसान हुआ। मुंबई में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पलटा कंटेनर, हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल हो गया, बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा, हादसे का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया। लखनऊ के अवधपुरी चौराहे पर युवक ने खुद को गोली मार ली, थोड़ी देर बाद युवक की मौत हो गई, पारिवारिक विवाद के चलते खुदकुशी की आशंका है। बिहार के सहरसा में स्कूली सरकारी स्कूल में मां बेटे की लाश मिली, दोनों की गला रेतकर हत्या की गई है, पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के जालौन में पति ने पत्नी की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी, घरेलू कलेश के चलते आए दिन दोनों में मारपीट होती थी, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। दिल्ली में घूस का पैसा आपस में बांटते दिखे ट्रैफिक पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिस का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, तीनों ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। यूपी के उन्नाव में शाते ठगों की तलाश में पुलिस है, रकम दोगुनी करने के नाम पर अदनान और कासान ने 11 करोड़ की ठगी की है, पुलिस के मुताबिक विदेश भागने के फिराक में थे दोनों ठग। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की सावित्री नदी में डूबकर मौत हो गई, तीनों के शवों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के पुणे में जोरदार बारिश, बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव हुआ है, लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के मंडला में बाइक सहित युवक पानी की तेज बहाव में बह गया, ग्रामीणों ने युवक का रेस्क्यू कर लिया, तेज बहाव में नाला पार कर रहा था युवक। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर में द्रांबिल के पास पहाड़ी पर भारी लैंडस्लाइड हुआ, सड़क पर आया भारी मलबा, नैनीधार गत्ताधार मार्ग बंद हुआ। यूपी के चित्रकूट में बरदहा नदी में अचानक बढ़ा पानी, पुलिया पर तेज बहाव पानी में वहां पर ट्रैक्टर फंस गया, ट्रैक्टर पर सवार 5 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचाया। जम्मू कश्मीर के सुचेतगढ़ भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ जवानों ने रक्षाबंधन मनाया, बच्चियों ने बॉर्डर पर तैनात जवानों को राखी बांधी। मध्य प्रदेश के सीहोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन पर लाडली बहनों के लिए गाना गाया, लाडली बहनों ने शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधी, सभी को शिवराज ने शुभकामनाएं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत में रक्षाबंधन के कार्यक्रम में शामिल हुए, राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी में छात्राओं से सीएम धामी ने राखी बंधवाई। महाराष्ट्र के नागपुर में स्कूल के छात्रों ने विशाल राखी बनाई, राखी बनाकर छात्रों ने बनाया रिकॉर्ड, छात्रों ने ये राखी सेना के जवानों और किसानों को अर्पित कर दी। दिल्ली के लाजपत नगर में रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर राखियों की दुकानों से बाजार गुलजार हैं, महिलाएं राखियों की खरीदारी में जुटी।